हेलो फ्रेंड, दिस इज विशाल और आसान टेक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा DJI Osmo Pocket 2 गिम्बल की अनबॉक्सिंग। तो मैंने इसे imstudent.com से मंगाया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये टोटल प्रीपेड ऑर्डर था, मैंने पूरा पैसा पहले ही पेड कर दिया था। और मैंने पहली बार इस वेबसाइट से ऑर्डर किया तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल था कि ये भेजेंगे कि नहीं, समय पर डिलीवर हो जाएगा कि नहीं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने 17 नवंबर को ऑर्डर किया था और आज है 22 नवंबर, आज मेरे घर पे पहुंच चुका है। तो shout out to imstudent.com, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैं अपने से बोल रहा हूँ। imstudent.com आप जाके चेकआउट कीजिए, आम वेबसाइट से थोड़ा कम ही प्राइस में आपके यहाँ सामान मिल जाएगा। तो चलिए इसका देख लेते हैं अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा है इसका बॉक्स, ये देखिए imstudent.com लिखा है, बगल में देखिए फ्रेजाइल लिखा है, और ये है ऑर्डर, प्रीपेड ऑर्डर, ये मेरा एड्रेस और ऑर्डर लिखा है। अब इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। वेबसाइट में इसका प्राइस है वो है 31,990, लेकिन मैंने प्रोमो कोड अप्लाई किया तो मुझे 31,700 कुछ में मिल गया। ये देखिए भारत में लग रहा है imstudent.com में ही अभी आया है, जो कि सबसे सस्ते में मिल रहा है। सबसे पहले ये आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये देखिए टैक्स इनवॉइस, ये पक्का बिल बोल सकते हैं हिंदी में, imstudent की तरफ से। इसका प्राइस है 31,735 में मुझे मिला है। ये बिल वारंटी के काम आएगा, एक साल की लिमिटेड वारंटी है इसमें। ये सबसे मुख्य चीज़ है DJI Pocket 2, बबल रैप में है, इसको भी हटा लेते हैं और ये सब भी हटा लेते हैं। ये देखिए आ गया DJI Pocket 2 गिम्बल, ये कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए बगल में इसके साथ जो जो चीज़ें आती हैं उसके बारे में बताया गया है। यहाँ गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर के बारे में बताया गया, अगर ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरर के बारे में, ये DJI, यहाँ इसका सीरियल नंबर, ये सब भी रखना पड़ेगा आपको फ्यूचर के लिए। अब अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले क्या इसमें है, DJI Pocket 2 के साथ ये सब चीजें मिलती हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ये क्या है। ये आपको कुछ मिलते हैं यूजर मैनुअल्स और यूजर गाइड जिसको बोल सकते हैं। ये स्टिकर मिलता है DJI का, आप इसको लगा सकते हैं। और क्या मिलता है, सबसे पहले इसे ही दिखा देता हूँ। ये है मुख्य चीज़, ये देखिए DJI Osmo Pocket 2, ये कवर है, बहुत ही हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है, सॉलिड लग रहा है, फाइबर का नहीं है, बहुत ही हार्ड प्लास्टिक का है। इसे आपको प्रेस करना होगा, जो ये येलो कलर का है, ये देखिए मैंने इसे प्रेस किया और यहाँ से ये निकल जाएगा। ये तो ये जो कवर है ये बहुत ही हार्ड सॉलिड प्लास्टिक से बना है, ये बहुत ही स्टडी लग रहा है, ये DJI लिखा हुआ है। ये देखिए ये हो गया DJI Pocket 2 गिम्बल, ये देखिए ये 93 डिग्री व्यू है इसका। अब इसमें क्या करना है, इसका ये प्लास्टिक भी निकाल देना है, फिर ये लेंस कवर है, इसे अभी नहीं निकालेंगे, धीरे से निकालेंगे। अभी कुछ ऐसा इसका लुक एंड फील है, ये देखिए सामने से, ये देखिए बगल से, ये पावर ऑन ऑफ बटन है, ये पावर ऑन ऑफ बटन है, ये भी स्टडी प्लास्टिक लग रहा है, बहुत ही थोड़ा खुरदुरा टाइप का है, रगेड। ये रिकॉर्डिंग के लिए है और ये स्टॉप स्टार्ट है, ये देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया। पूछ रहा है इंग्लिश, चाइना के क्वेश्चन में इंग्लिश, टच स्क्रीन है इसमें, ये मैंने इंग्लिश किया। इसकी 5 टाइम रिमेनिंग, ये देखिए DJI मीमो टू एक्टिवेट, नो SD कार्ड, यानी SD कार्ड स्लॉट सब है, ये फोटो, यानी अब ये चालू हो चुका है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या मिलता है। तो ये देखिए ये है USB टाइप सी केबल, जो कि शायद तक चार्जिंग के लिए भी काम आएगा और काम आएगा डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी। ये है USB टाइप सी
केबल। फिर क्या मिलता है आपको, ये शायद एडाप्टर्स हैं क्या? ये देखिए, ये है DJI का iOS एडाप्टर, ये देखिए। और ये भी कुछ ऐसा ही होगा, इसको भी देख लेते हैं। ये है DJI का एंड्रॉयड एडाप्टर, ये देखिए, ये दोनों को देख लीजिए। ये iOS है, ये एंड्रॉयड है। ये एडाप्टर कहाँ काम आता है, अगर आपको मोबाइल को सीधे कनेक्ट करके मोबाइल की स्क्रीन पे आपको देखना है, तो ये है एंड्रॉयड ये वाला है iOS एडाप्टर। अब सीधे आ जाते हैं, ये देखिए, ये रिस्ट स्ट्रैप है जो कि इस आसमो में लगाएंगे तो इसको आप हाथ में ले कर चल सकते हैं। ये हैंडी होगा, थोड़ा हाथ से घूमेगा नहीं, गिरेगा नहीं। तो ये देखिए, ये है DJI आसमो पॉकेट 2 मिनी कंट्रोलर, जिसको आप डिवाइस में लगाएंगे और यहाँ से जॉयस्टिक टाइप का इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ये मेनू के लिए बटन है, तो इसे मैं इस डिवाइस में लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए, ऐसे लगाना है, कुछ मिनी कंट्रोलर है, इसके थ्रू आप गिम्बल के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए, ये लग गया। अब इसे स्किप 4 टाइम, ये सब, ये देखिए जूम हो रहा है, ये देखिए ऊपर नीचे भी हो रहा है, ये देखिए फिर जूम हो रहा है। तो ये देखिए, ये है मिनी कंट्रोलर, ये देखिए, ये जूम भी हो सकता है। इसमें 8x टोटल जूम है, यानी कुछ ऑप्टिकल है, कुछ इसमें डिजिटल जूम है। इसका जो सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल, यानी 64 मेगापिक्सल का CMOS सेंसर है, जो कि जो पहली बार बना था उससे कहीं ज़्यादा है। ये 93 डिग्री ऑफ व्यू तक रिकॉर्डिंग कर सकता है। इसमें मैक्सिमम 4K 60 FPS तक की रिकॉर्डिंग की जा सकती है सीमलेसली। ये देखिए, कैमरा टिल्ट हो रहा है, ये रिमोट से ही हो रहा है, ये देखिए नीचे जा रहा है, ये कैमरा ऊपर आ रहा है, आप देख पा रहे हो, ये देखिए। तो यानी एक प्रकार से जॉयस्टिक टाइप, ये देखिए घूम रहा है राउंड। तो ये कैसे काम करता है, क्या करेगा, देखिए गिम्बल अपने जगह से हिल नहीं रहा है, इसीलिए इसकी जो मूवमेंट होती है बहुत स्मूथ होती है। ये देखिए, जहाँ है वहीं पर है, ये देखिए ये। और ये देखिए दोस्तों, ये है शायद तक 1/4 इंच का ट्राईपॉड माउंट। ये देखिए, ट्राईपॉड का जो होता है माउंट वो है। इसे लगाना और निकालना बहुत ही मुश्किल होता है थोड़ा। ये देखिए निकल गया, क्योंकि ये चार्जिंग के लिए था, अब ये ट्राईपॉड के लिए है। ये देखिए, ट्राईपॉड के लिए लगाना है, ये सामने ऐसा करना है, ये लग गया। अब यहाँ आप चार्जिंग भी कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र भी हो सकता है, ट्राईपॉड भी इसमें लग सकता है। तो ये टोटल चीज़ें इसकी थी। अब मैं इसमें मेमोरी कार्ड भी लगा के दिखा देता हूँ। ये मैक्सिमम शायद तक 128 GB सपोर्ट करता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास है ये देखिए 128 GB का SanDisk का मेमोरी कार्ड, और ये मैंने एडाप्टर भी ले लिया है। तो इसमें मेमोरी कार्ड में लगाते हुए आपके कुछ कुछ प्रश्नों का आंसर भी दे देता हूँ। ये देखिए, मेमोरी कार्ड 128 GB का SanDisk का है, मैं लगाता हूँ इसमें, यानी इसमें आपको एडाप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा लग जाएगा। ये देखिए, ये लग गया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस का आंसर दे देता हूँ। क्वेश्चन ये होता है कि ये कितनी रिकॉर्डिंग कर लेता है, तो ये लगातार 140 मिनट की रिकॉर्डिंग करता है, ऐसा वेबसाइट बोलती है। और ये वाटरप्रूफ है कि नहीं, तो ये वाटरप्रूफ नहीं है, लेकिन आप वाटरप्रूफ केस इसका खरीद सकते हैं। और इसकी बैटरी है लिथियम आयन की बैटरी, मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक पावर बैंक लेकर चलिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हेलो, दिस इज विशाल, हम लोग जा रहे हैं औरा पानी की ओर। ये कलो पोटास निकले हैं और जा रहे हैं औरा पानी की ओर। 4 लोग हैं और वहाँ पहुँचते हैं, आपको दिखाते हैं क्या है। गया हूँ फैमिली के साथ।
जगह उतरा तो हो गई पानी है तो से अब बहुत चढ़े नहीं है ना बहुत ये यहाँ से दिख इनका एक्सप्रेशन बहुत ही सुंदर झरना है, नजारा देखिए यहाँ पे। अच्छा, लाखों लोग यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धा पर्व है। बड़े भैया हैं हमारे। अच्छा, आप कहाँ से हैं? इंडिया से हैं? हम अमेरिका में है, अफ्रीका में, नाइजीरिया से। फ्रॉम नाइजीरिया। अच्छा, हाँ। लेकिन ये तो अच्छे दिख रहे हैं, गोरे मस्त। कलर अभी थोड़ा मैच नहीं कर रहा नाइजीरिया। नड्डा भाई है ना, नड्डा यहाँ बहुत फेमस है यहाँ पे। अच्छा, जो इंडिया का नड्डा है वो यहाँ बहुत ज्यादा फेमस है। अब क्या बोला जाता है नड्डा को यहाँ पर? नड्डा को यहाँ पर क्या कुछ लैंड के नाम से है यहाँ पे। अच्छा, लैंड के नाम से यहाँ पर रखा गया है नड्डे का नाम। क्या नाम रखा गया नड्डा को? क्या बोलते हैं यहाँ पर, अफ्रीका में क्या बोलते हैं? मैं भी नहीं जानता। तो ये वीडियो मैं सैम्पलिंग कर रहा हूँ, ये है एक्सट्रीमली लो लाइट कंडीशन। ये घर से बाहर जाता हूँ मैं रोड पे, एक्सट्रीमली लो लाइट कंडीशन में कैसा लेता है। ये जो आप साउंड सुन रहे हैं ये नेचुरल है, ये लाइट देख रहे हैं, एक्सट्रीमली लो लाइट कंडीशन, डिसेंट है वैसे क्वालिटी इसकी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया DJI Osmo Pocket 2 Gimbal का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट लुक। अब इसके कितने स्पेसिफिकेशन है, इसका CMOS सेंसर कैसे काम करता है, इसमें कितने मोशन ट्रैकिंग है और इसका चलने का तरीका कैसा है, इसका गिम्बल किस टाइप का वर्क करता है, DJI Pocket 2 क्यों खरीदें, DJI Pocket क्यों ना खरीदें, तो इन सब के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहें आसान टेक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।